नमस्कार। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी सवाल उठाते हैं कि स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले संघ के स्वयंसेवक भाजपा की राजनीति के शिखर पर क्यों हैं, यह पाखंड नहीं तो क्या है। आइए इस आलोचना की मीमांसा करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों पर संघ स्वयंसेवक विद्यमान हैं, किंतु संघ स्वयंसेवकों के बीच पूर्व सरसंघ चालक स्वर्गीय बाला साहब देवरस का एक अभिमत खासा चर्चित रहता है, जिसमें बाला साहब ने राजनीति की तुलना स्नानागार से की थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार घर में बाथरूम जरूरी है, उसी प्रकार समाज जीवन में राजनीति भी आवश्यक है। किंतु जिस प्रकार कोई 2400 घंटे बाथरूम में बैठे नहीं रह सकता, उसी प्रकार हर समय राजनीति करना भी उचित नहीं है। यह सीधा उनका मत था और संभवतः यही कारण है कि जो सच्चे संघ स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वे नेता कम समाज सेवी की भूमिका में अधिक दिखाई देते हैं। इसी प्रेरणा का असर था कि स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने अपने जीवन के 60 वसंत पूर्ण करते ही राजनीति से विराम ले लिया और चित्रकूट जाकर सामाजिक प्रकल्पों में स्वयं को समाहित कर दिया। यही कारण है कि पद से पृथक होने के बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जी जोशी जैसे आदर्श स्वयंसेवकों के मन में कोई ग्लानि नहीं आती और विरोधियों द्वारा भरसक भड़काने के बाद भी उनके मुँह से संगठन के विरुद्ध एक शब्द नहीं निकलता। जबकि यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे लोग जिनका संघ से संबंध नहीं रहा, कपड़े फाड़ते दिखाई देते हैं। बेशक अनेक संघ स्वयंसेवक भाजपा के माध्यम से राजनीति में हैं, किंतु राजनीति संघ का मूल कार्य नहीं है। संघ का जो मूल कार्य है, उसे संघ के आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कुछ हास्य विनोद के लहजे में इस प्रकार समझाया था। श्री कृष्ण ने गीता में सुस्पष्ट रूप से घोषित किया है कि धर्म की स्थापना का अर्थ है दुष्टों का विनाश, और इस काम के लिए मैं बार बार अवतार लूंगा। यह कृष्ण का संदेश है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे अभी जन्म न लें, अभी अवतार न लें, क्योंकि आज तो संपूर्ण समाज ही आलस्य और स्वार्थ अर्थात अधर्म में डूबा हुआ है, और उसे देखकर अगर भगवान आए, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सबको ही नष्ट कर देंगे। इसलिए पहले हम लोग धर्मात्मा बने अर्थात समाज के लिए परिश्रम और त्याग करें, जीवन बिताएं और तब सर्वशक्तिमान परमात्मा को पुकारें। यह था डॉक्टर हेडगेवार जी का अभिमत। तो साफ है कि संघ का मूल कार्य है समाज के लिए, देश के लिए जीने की भावना का विकास। हमें हर्ष होता है यह देखकर कि एक स्वयंसेवक देश की बड़ी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है, जो अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जी रहा है। देश के लिए जीना यानी एक अन्य पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी के शब्दों में कहें तो मोमबत्ती के समान तिल तिल कर जलना, जल जल कर गलना, गल गल कर मिटना। इन्हीं आदर्शों को अपने हृदय में स्थापित किए हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं। दुनिया में संचार क्रांति देख चुकी है, कई जगह सत्ता परिवर्तन की क्रांति देख चुकी है, और तो और मोदी जी की प्रेरणा से योग क्रांति भी हुई है। अभी कुछ और होना शेष है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया चरित्र क्रांति भी देखेगी। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी कि हर देश के जन्म का एक उद्देश्य होता है, और भारत का जीवनोद्देश्य है अध्यात्म के माध्यम से शेष विश्व का मार्गदर्शन करना। अध्यात्म का प्रकटीकरण होता है व्यक्ति के चरित्र से। हर भारतीय को उस दिन गर्व होगा जब चरित्र क्रांति की अगुवाई भी भारत करता दिखेगा। कल तक जिस राजनीति को हम कीचड़ समझते थे, आज वह साफ और निर्मल होने जा रही है, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी उन क्षणों की साक्षी बनेगी। बात रही संघ की, तो संघ कुछ नहीं करता, सिर्फ शाखा लगाता है। जहां हर स्वयंसेवक गुनगुनाता है
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और यह मातृभूमि की वंदना उसका जीवन बदल देती है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति, न इससे कम न इससे ज्यादा, यही है संघ की सियासत। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस क्रांति दूत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। नमस्कार।